स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं विनोबा भावे के बारे में, जिनका कि पूरा नाम विनायक नाराहारी भावे है। उनका जन्म 11 सितंबर 1895 को गाडुगे मुंबई महाराष्ट्र में हुआ था। दैट मीन्स कि उस टाइम के क्या है, बॉम्बे प्रेसिडेंसी में उनका जन्म हुआ था। उनको हम आचार्य के नाम से भी जानते हैं और उनको बेसिकली हम क्या है, भूदान मूवमेंट जो उनके द्वारा चलाया गया था उसके लिए उनको क्या है, वर्ल्ड वाइड और स्पेशली इंडिया में क्या उनको जाना जाता है। गांधी जी के द्वारा उनको नेशनल टीचर ऑफ इंडिया कहा गया था और उनको गांधी जी का स्पिरिचुअल सक्सेसर है। कहा जाता है कि गांधी जी के ही नक्शे कदमों पर वो ताउम्र चले थे। बात करें अगर गांधी जी के साथ उनके कनेक्शन की, तो जब वो अपनी पढ़ाई कर रहे थे तो उस टाइम पीरियड पे क्या है, गांधी जी ने जब हिंदू बनारस यूनिवर्सिटी में जब अपनी पहली स्पीच दी थी, तो उस स्पीच से जो वो न्यूज़पेपर में छपी थी, तो उसको पढ़कर वो काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर हुए थे विनोबा भावे। और उस स्पीच को पढ़ने के बाद उन्होंने अपनी कॉलेज की सारी डिग्रियाँ जला दी थी और उसके जस्ट बाद क्या है, उन्होंने गांधी जी को पत्र लिखना शुरू किया और काफ़ी लंबे समय तक क्या है, गांधी जी के साथ उन्होंने पत्रों से बातचीत की थी और पत्र लिखकर क्या है, वो उनसे अपनी बातें रखते थे। इसी के बाद क्या है, गांधी जी ने उनको 7 जून 1916 को अपने आश्रम में बुलाया, कोचरब आश्रम अहमदाबाद में, और वहां पर क्या है, वो 1916 में गांधी जी से उनकी मुलाकात हुई थी। इसके अलावा बात करें अगर हम विनोबा भावे की, तो उन्होंने क्या है, वहाँ पर गांधी जी के आश्रम पे जाकर बहुत सारी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया, जैसे कि अगर मैं बात करूँ टीचिंग में, स्टडिंग में, स्पिनिंग में। इसके अलावा जो जो लोग हैं, जो कम्युनिटी है, उनको इम्प्रूव करने में, जैसे कि क्या अगर मैं बात करें तो गांधी जी के हरिजन मूवमेंट से भी वो जुड़े थे। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि उन्होंने की थी। उनका एक फेमस स्लोगन है जो उन्होंने दिया था, जय जगत, दैट मीन्स की विक्ट्री टू द वर्ल्ड, ये उनका फेमस स्लोगन है जो कि विनोबा भावे ने दिया था। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो उन्होंने बहुत सारी किताबें भी किए, जिनमें से कि एक बहुत ज्यादा फेमस है, उन्होंने जो गीता है उसका मराठी में उसको ट्रांसलेट किया था और उसका नाम रखा था गीता ही। दैट मींस कि उसका मतलब होता है मदर गीता। और ये भाषा, ये जो उन्होंने किया है उसका मराठी में संस्करण था उनका, तो ये क्या है, जो गीता ही है मराठी नेम है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो इसके अलावा क्या है, उन्होंने क्या है, अगर मैं बात की जाए तो उन्होंने सर्वोदय मूवमेंट चलाया था, जिसकी वजह से क्या है, वो सभी का विकास करना चाहते थे। दैट मींस कि सर्वोदय मूवमेंट का मतलब था प्रोग्रेस फॉर ऑल, दैट मींस कि ऑन द बेसिस ऑफ क्या है, रिच पुअर, किसी भी तरीके का कोई डिफरेंशिएशन ना किया जाए, सभी के भले के लिए कार्य किए जाए। इसके अलावा क्या है, उनका फेमस भूदान मूवमेंट उनका चालू हुआ था, कहाँ से, पोचमपल्ली तेलंगाना, ठीक है ना, पोचमपल्ली डिस्ट्रिक्ट है, नालंदा डिस्ट्रिक्ट तेलंगाना में, वहां से इन्होंने इस भूदान मूवमेंट को शुरू किया था 18 अप्रैल 1951 में, जहां पर क्या है, वो कुछ हरिजन परिवारों से मिले थे और उन्होंने उनको बोला कि उनको क्या है, खेती के लिए जमीन दीजिए। तो जिसके बाद क्या, उन्होंने काफी लंबे समय तक वो गांव गांव घूमे थे और गांव गांव घूमकर ही क्या है, उन्होंने अराउंड क्या है 44 लाख एकड़ जमीन क्या है, दान में इकट्ठी की थी और उसको अराउंड 13 लाख से भी ज़्यादा गरीबों में बांट दिया था और काफ़ी सारे गरीब लोगों की मदद उन्होंने इस भूदान मूवमेंट के जरिए की थी, जिसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा फेमस हुए थे। इसके अलावा उन्होंने क्या है, ब्रह्म विद्या मंदिर नाम से एक आश्रम बनाया था 1959 में, जो कि क्या है, जो महिलाओं के द्वारा, एक स्मॉल कम्युनिटी जो महिलाओं की है उसके द्वारा उसको चलाया जाता है, जिससे कि उनको सेल्फ सफिशिएंट बनाया जा सके, ठीक है, आज भी वो संचालित है। इसके अलावा बात की जाए तो 1954 में उन्होंने क्या है, भूदान मूवमेंट की ही तर्ज पर एक ग्रामदान मूवमेंट चलाया, जिसमें क्या है, उन्होंने आह्वान किया लोगों से, तेलंगाना से इसकी शुरुआत, सॉरी तमिलनाडु से इसकी शुरुआत हुई थी और ये आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के भी कुछ हिस्सों में काफ़ी ज़्यादा सक्रिय रहा था ये आंदोलन, ग्रामदान प्रोग्राम, जिसके साथ क्या है, लोगों ने बड़ी संख्या में आगे आकर क्या है, जो अपने गांव है वो दान में दिया थे, जिससे कि जो गरीब लोग हैं उनको सहायता हो सके और उनका कुछ भला हो सके। अगर बात की जाए उनके द्वारा लिखी गई किताबों की, तो उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं अलग अलग भाषाओं में, जैसे गुजराती में, मराठी में, हिंदी में, संस्कृत में, इंग्लिश में, उर्दू में। तो उनमें से कुछ एक खास किताबें उनकी कौन सी है, एक तो है स्वराज्य शस्त्र, इसके अलावा गीता प्रवचन, इसके अलावा तीसरी शक्ति, द थर्ड पावर, ये कुछ खास किताबें उनके द्वारा लिखी गई हैं जो कि है। इसके अलावा बात की जाए तो गांधी जी के द्वारा क्या है, उनको फर्स्ट सत्याग्रही की उपाधि भी मिली थी। क्यों? क्योंकि उन्होंने सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे क्या है, जब यूनाइटेड किंगडम ने क्या है, इंडिया के लोगों को जबरदस्ती युद्ध में झोंकने की कोशिश की थी, तो उन्होंने इस चीज का विरोध किया था और इंडिविजुअल सत्याग्रह चलाया था 17 अक्टूबर 1940 को। तो इसी के साथ क्या है, 1940 में गांधी जी के द्वारा उनको फर्स्ट सत्याग्रही की उपाधि भी दी गई थी। अगर इसके अलावा मैं बात करूं तो उन्होंने बहुत सारे स्वतंत्रता प्रोग्राम में भाग लिया था, गांधी जी के अधिकतर आंदोलन में वो बढ़ चढ़ के उन्होंने हिस्सा लिया था, जैसे कि 1925 का क्या है, हरिजन सत्याग्रह में उन्होंने भाग लिया, जिसकी वजह से वो जेल गए थे। इसके अलावा क्या है, असहयोग आंदोलन में भाग लिया, जिसमें कि उन्होंने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया और क्या है, देसी चीजों को यूज करने का लोगों से रिक्वेस्ट की थी। इसके अलावा 1922 में नागपुर में झंडा सत्याग्रह में उन्होंने भाग लिया, जिसके बाद भी उनको जेल जाना पड़ा। अगर बात की जाए तो 1930 से लेकर 1940 तक वो कई बार जेल गए थे।
अनेकों बार उनको जेल में जाना पड़ा था। अगर बात की जाए विनोबा भावे की तो 1958 में वो पहले ऐसे रेसिपिएंट है जिनको इंटरनेशनल रेमन मैक्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया गया था कम्युनिटी लीडरशिप के लिए। इसके अलावा बात की जाए तो 1983 में उनको उनके मरने के पश्चात क्या है भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। तो ये कुछ एक खास चीज़ें हैं जो कि उनके बारे में आज हमने जानी। और एक वन मोर स्पेशल थिंग कि उन्होंने क्या है इंदिरा गांधी जी के द्वारा चलाए गए जो इमरजेंसी थी ना उसका समर्थन किया था, जिसकी वजह से उनको कुछ लोगों का विरोध भी झेलना पड़ा था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक स्टूडेंट।